हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल ड्यूटी। सो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो होने वाली है हाउ टू चेक योर ईपीएफ बैलेंस इन वन क्लिक 2023। ओके, मतलब आप जहां पे भी अभी काम कर रहे हो, जो भी प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी हो, जिसमें भी आप काम कर रहे हो, उसका अगर आपको पीएफ प्रोविडेंट फंड कितना जमा हुआ, या फिर पहले कंपनी से लेके अभी तक की कंपनी का जितना भी आपका पीएफ जमा हुआ है, वो अगर आपको चेक करना है, तो वो कैसे चेक करेंगे हम मोबाइल की मदद से, मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो एंड तक देखिए, आपको जरूर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। तो चलिए मोबाइल के ऊपर जाते हैं हम लोग। सो मोबाइल में हम लोग आ चुके हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल प्ले में जाके एक उमंग ऐप करके है, वो आपको डाउनलोड करना है, उमंग ऐप। ओके, तो ये वाला जो दिख रहा है आपको, एक हैंड दिखाई देगा आपको कांग्रेस की तरह, और यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है ये वाला ऐप उमंग। यहाँ पे 4 स्टार है इसको, तो इसको आपको ओपन करना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल किया है, तो मुझे वो दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया। आप भी जाके यहाँ पे लॉगिन वगैरह, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है, वो आप प्रोसेस कंप्लीट करिए। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो डैशबोर्ड ओपन होने के बाद, अगर आपको, मैंने जैसे बताया, ईपीएफ बैलेंस चेक करना है या फिर पूरा हिस्ट्री चेक करना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे जाना है, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे ऑल सर्विसेज का भी ऑप्शन है। आप यहाँ से भी आप सर्च करके आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ पे डाल के सर्च कर सकते हो। अभी मेरा क्या ईपीएफओ है, तो मैं यहाँ पे ईपीएफओ, तो ये मुझे आ जाएगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अभी यहाँ पे देखिए ईपीएफओ की तरफ से यहाँ पे कौन सा सर्विसेज है। सो रिक्वेस्ट फॉर एडवांस, अगर आप COVID-19 में बहुत सारे लोगों ने अपना पीएफ विड्रॉन किया था, तो वो फैसिलिटी सबसे ऊपर है। उसके बाद फॉर्म 10 सी स्कीम सर्टिफिकेट है, उसके बाद व्यू पासबुक रेज क्लेम ट्रैक क्लेम डाउनलोड यूएन कार्ड, तो आपका कार्ड भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो हमें, हमारा क्वेरी क्या था कि हम लोग को पासबुक मतलब बैलेंस चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, व्यू पासबुक के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे व्यू पासबुक के ऊपर क्लिक करके आपको जितने भी आपने काम किया है, या फिर आपका प्रोविडेंट फंड जो भी कंपनी में आप कर रहे थे, उसका पूरा लिस्ट आपको, एम्प्लॉय लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो वो जिसमें से अभी आपका करंट एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर, तो वहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यूएएन नंबर दिखेगा आपका, और उसके नीचे गेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा, तो आपको गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करके ओटीपी सबमिट करना है। मैंने ऑलरेडी ऐसा कर चुका था, तो इसके लिए मेरा ओपन हो रहा है डायरेक्टली। तो अभी आप चेक कर सकते हो, मेरा एम्प्लॉय शेयर दिख रहा है यहाँ पे, पूरा इंफॉर्मेशन। ओके, तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी रहेगी। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इसको लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के मुझे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।